अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारी पौधे का हाल, इस बार बहुत भयंकर गर्मी पड़ी थी इसलिए हमारी पौधे एकदम झुलस गई है। टमाटर के पौधे थे, इसमें से टमाटर मैं बहुत हार्वेस्टिंग की हूँ, इसको उखाड़ देती हूँ, खाली हो जाएगी तो फिर कुछ रोपूंगी। देखिए इस तरह से उखाड़ दी हूँ, लौकी का भी पेड़ हमारा एकदम सूख गई है, एकदम झुलस गई है गर्मी में। इस बार बहुत भयंकर गर्मी पड़ी है, देखिए कि क्या हाल हुई है। इसको भी मैं उखाड़ दूंगी, इसे भी हटा दूंगी, उसके बाद कुछ और रोपना होगा तो रोपूंगी। हमारा कद्दू टमाटर का पौधा एकदम झुलस गई, उसे मैं उखाड़ दी हूँ। बाकी ये सेम का पेड़ है, ये अभी ठीक है, इसे मैं छोड़ दे रही हूँ। और इधर चाइनीज़ नींबू है, इसका ग्रोथ ठीक है, ये अच्छे से चल रही है। देखिए ये चाइनीज़ नींबू का ग्रोथ सही चल रही है। और यहाँ नींबू है, ये खट्टी वाली नींबू है, वो भी ठीक है। देखिए चंपा में कितनी अच्छी फूल खिली हुई है, इसकी फूल कितनी अच्छी लग रही है। देखिए इसमें चुकंदर का पौधा लगाई है, ये भी चल रही है। इधर तुलसी का है पौधा, इसमें फूल खिली हुई थी, वो सूख गई है, उसे मैं काट दे रही हूँ। इसको काट ही देना चाहिए तभी ये पौधा सही से चलेगी। तुलसी के पौधा है, यहाँ भी तुलसी का है, इसे भी मैं इसके फूल को काट दे रही हूँ। इस तरह से फूल को काट दीजिए। देखिए हमारा ये अरकंज का भी पौधा, सबका पत्ता सब सूखने लगी है, इतनी भयंकर गर्मी की वजह से सारा पत्ता सब सूख रही है। जो जो सूखी हुई पत्ता है सबको मैं हटा दे रही हूँ। देखिए मिर्च भी एकदम लाल हो गई है, सूखने पर आ गई है मिर्च भी, इसलिए मैं मिर्च को भी तोड़ ले रही हूँ।
जितनी लाल लाल है सबको तोड़ लेती हूँ। मिर्च की ग्रोथ अच्छी चल रही है। अभी इतनी गर्मी में कोई फर्टिलाइज़र मैं नहीं डाली हूँ, अब थोड़ी मौसम ठीक होने पे मैं डालूँगी। तरह से जितनी लाल हो गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है, वो सब मैं तोड़ ले रही हूँ। देखिए ये सूख रही थी मिर्च, इसे मैं तोड़ ली हूँ। इधर भी एक मिर्च के पौधा है, उसमें फूल खिल रही है, अभी मिर्च नहीं हुई है। देखिए इधर हमारा एडेडियम में फूल खिली है, एक ही पौधे में फूल खिली है और बाकी में अभी नहीं खिली है। देखिए अमरूद के पौधे में ये पौधा निकल गई है, तुरई का अपने आप निकली है। अल्लाह हाफिज़।